अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1F का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। इसमें भी हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करनी है, लेकिन इसमें हमें डिफरेंट साइन दिए हुए हैं, ठीक है। उसमें सारे पॉजिटिव साइन थे, उसमें हमने पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करना था, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमने डिफरेंट साइंस, इसमें नेगेटिव साइंस भी इंक्लूडेड है, तो नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन से कैसे डील करेंगे तो इस क्वेश्चन के अंदर आप देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा गिवन है 64 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय -3/8। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स हमें माइनस साइन भी गिवन है, ठीक है। करना हमने मल्टीप्लाई है, ठीक है। रूल्स वही सेम होंगे, लेकिन इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर जो हैं वो दोनों गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें तो इसके साथ कोई साइन नहीं है, तो ये जो फ्रैक्शन फॉर्म जो है ये पॉजिटिव है, ठीक है, और ये जो है ये नेगेटिव है, ठीक है। तो अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये क्रॉस में इनकी कटिंग हो रही है या नहीं, ठीक है। अगर इनकी क्रॉस में या ऊपर नीचे वैल्यूज़ की आपस में किसी एक टेबल से कटिंग हो रही है तो सबसे पहले हम उसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो देखें, इसको मैं ब्रैकेट से बाहर लिख लेता हूँ। ये आ जाएगा 64/15 और इसकी मैं ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ तो ये -3/8 आ जाएगा। अब कटिंग कर लेते हैं। देखें, 3 की 15 के साथ कटिंग हो रही है, 3 1 3, 3 5 15। इसी तरह से 8 की 64 से हो रही है, 8 8 64, 8 1 8। ओके, सबसे पहले हम फ्रैक्शन फॉर्म में हमें गिवन होगा क्वेश्चन, तो पहले कटिंग करेंगे, ठीक है, क्रॉस में या ऊपर नीचे। उसके बाद हम जो वैल्यूज़ हमारे पास बचेंगी उनको हमने मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे रह गया था 8, नीचे आ गया था 5, इसके साथ प्लस का साइन था। ओके, यहाँ पे आ जाएगा -1, नीचे भी आ जाएगा 1 और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओके, तो अब देखें प्लस माइनस माइनस, देखें मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, और 8 1 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 8 और 5 1 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 5। मैंने आपको बताया था आमने सामने हम वैल्यूज़ को जो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यदि 8 के सामने 1 है तो 8 1 से हो जाएगा और 5 1 ज़ार 5, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 8/5। तो देखें ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर है। नीचे डिनोमिनेटर यानी 5 जो है ये छोटी वैल्यू है, 8 बड़ी वैल्यू है, ये डिविजिबल हैं, तो हम डिवाइड करके इनको मिक्स नंबर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 5 बाहर रख लेंगे, 8 अंदर आ जाएगा, 5 1 5, रिमाइंडर आ जाएगा 3। तो मार्क कर लेते हैं इसको एंटी क्लॉक वाइज। तो यूँ हमारे पास 5 जो है वो नीचे आ जाएगा, 1 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा और 3 जो है ये ऊपर चला जाएगा और साइन नेगेटिव ही रहेगा। इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 3/5। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास बी, इस क्वेश्चन के अंदर हमने डिवाइड करना है, ठीक है। 4/15 डिवाइडेड बाय -10/3। ओके, ये जो फ्रैक्शन फॉर्म गिवन है ये माइनस के अंदर है, ये प्लस के अंदर है, तो मैं लिख लेता हूँ 4/15 इसके साथ प्लस आ जाएगा। अच्छा, लास्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने बताया था कि जब हमारे पास डिवाइड आ जाता है तो उसको हम मल्टीप्लाई के अंदर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो इसके नेक्स्ट फ्रैक्शन गिवन होगी इसको हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3/10, ठीक है। ये 10/3 था तो ये आ जाएगा 3/10, ठीक है, और साइन इसके साथ रहेगा और मैंने ब्रैकेट भी ख़त्म कर दिया, ठीक है। इसके बाद देखना है कि क्या ये कटिंग हो रही है इनकी आपस में, ठीक है, कट हो रहे हैं। देखें 3 1 3, 3 5 15, 2 2 4 एंड 2 5 10, ठीक है, ये कटिंग हो रही थी, मैंने कर दी है। ओके, यहाँ पे आ गया 2, ठीक है, इधर रह गया 5 और ये -1/5, ठीक है, और ये प्लस वाली वैल्यू थी। ओके, प्लस माइनस आ जाएगा माइनस, ठीक है, 2 1 2 और 5 5 25, ठीक है, और ये आ जाएगा -2/25। ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। नीचे जो डिनोमिनेटर है ये एक बड़ी वैल्यू है, तो इसको हम मिक्स नंबर फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है।
तो ये मिक्स नंबर के अंदर हमें नंबर गिवन है, तो सबसे पहले इसको मैं फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। वो कैसे करेंगे, 6 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा 48। 48 में ये 1 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 49, और डिनोमिनेटर 8 ही रहेगा, ठीक है, और साइन माइनस का। यूँ हम इसको मिक्स नंबर से इसमें फ्रैक्शन फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, 8 6 48, और इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 49, ऊपर हम 49 लिखेंगे और 8 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद साइन भी इनके साथ आ जाएंगे, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस लगा देंगे, ठीक है। अब देखें इनकी कटिंग हो रही है, ठीक है, अगर हो रही है तो हम इनकी कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो देखें 3 की 8 के साथ कटिंग नहीं हो रही, ठीक है, लेकिन 49 की और 14 की कटिंग हो रही, ये दोनों 7 के टेबल से डिवाइड होते हैं, तो मैं 7 से इनकी कटिंग कर लेता हूँ, 7 2 14 एंड 7 7 49, ठीक है। तो बाकी मज़ीद कटिंग नहीं हो रही तो आ जाएगा -7/8 × 3/2, ठीक है, ओके। अब ये देखें, ये नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस आ जाएगा। -7 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, हम आमने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 3 21, और 8 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा 8 2 16। हमारे पास ये जो आंसर आया है ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। 16 जो है एक छोटी वैल्यू है, ये 21 बड़ी वैल्यू है, तो ये 16 जो है वो 21 से डिविजिबल है, तो हम डिवाइड करके इसको मिक्स नंबर फॉर्म के अंदर लिख लें, तो 16 16, ओके, रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 5, और मार्किंग कर लेंगे हम इसी तरह से एंटी क्लॉक वाइज, और 16 जो है वो नीचे चला जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 16 को हम नीचे लिख लेंगे और 5 जो है वो ऊपर आ जाएगा, इस तरह से हम इसको लिख लेंगे, और साइन जो है वो नेगेटिव ही रहेगा, ओके। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा हमारे पास -1 5/16। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके। डी क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है 2 1/2 × 4 2/5, ओके। इस क्वेश्चन को भी देखें तो ये भी हमें मिक्स नंबर में क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। इसको भी मैं पहले कन्वर्ट कर लेता हूँ फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर, और 2 2 4, और 4 में 1 ऐड कर देंगे तो 5 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा 2, साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। 4 5 20, 20 + 2 22, 22 / 5। तो इसके बाद देखें, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, ये एक नेगेटिव वैल्यू है, तो पहले देखते हैं कि क्या इनकी कटिंग हो रही है क्रॉस में, तो जी हो रही है। 5 1 5, 5 1 5, 2 1 2, 2 1 एंड 2 1, यानी कि 2 11 22, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा -1, और नीचे आ जाएगा 1, और 11 और 1, तो ऊपर 11 और नीचे 1, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस आ जाएगा, -11 11, और नीचे 1 1 1, ठीक है। तो ये नीचे जो 1 है इसको हम इग्नोर कर देंगे, तो -11 जो है हमारे पास आंसर है। 1 को हम 11 से अगर डिवाइड करें भी तो 1 11 11 होता है, तो आंसर हमारे पास फिर भी 11 ही आएगा, तो यूँ हमारे पास -11 जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन ई की तरफ। इसमें हमने डिवाइड करना है, ठीक है, लेकिन उससे पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये मिक्स नंबर फॉर्म में गिवन है, तो माइनस आ जाएगा, 4 1 4, और इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 5, और नीचे आ जाएगा 4, ओके। डिवाइड है, इसको मैं मल्टीप्लाई में चेंज कर लेता हूँ, और ये 3/8 जो है इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 8/3, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद हमने देखना है कि क्या इनकी कटिंग हो रही है। अच्छा, ये भी याद रखिएगा, ये पॉजिटिव नंबर है तो मैं पॉजिटिव साथ मेंशन कर देता हूँ। अब देखें कि क्या इनकी कटिंग हो रही है, तो देखिए 5 की और 3 की तो नहीं हो रही, 4 की और 8 की हो रही है, 4 1 4, 4 2 8, ठीक है। कटिंग करने के बाद देखें यहाँ पे आ जाएगा -5, नीचे आ जाएगा 1 2 और 3, और ये एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। माइनस प्लस आ जाएगा -, और 5 2 10, और नीचे आ जाएगा 3 1 3, ओके। ये देखें, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। नीचे जो है 3 एक छोटी वैल्यू है, ये 10 से डिविजिबल है, तो हम इनको डिवाइड कर देते हैं, 3 3 9, और रिमाइंडर आ जाएगा 1, और मार्क कर लेते हैं इनको, ठीक है। मार्क करने के बाद इनको लिख लेते हैं, ये 3 जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, ये 3 नीचे चला जाएगा, ये 1 ऊपर आ जाएगा, और साइन जो है वो नेगेटिव ही रहेगा। यूँ हमारे पास आ जाएगा -3 1/3 हमारा आंसर। इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन एफ।
एफ क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है -8/9 डिवाइडेड बाय -1/2/3। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर देखिए डिवाइड हो रहा है तो -8/9 एज इट इज आ जाएगा, और डिवाइड को मैं फिलहाल ऐसे ही लिखता हूँ। पहले मैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो इसकी ब्रैकेट हम ख़त्म कर लेंगे, माइनस आ जाएगा और 3 1 3 और +2 आ जाएगा हमारे पास 5 और नीचे आ जाएगा 3। ओके, इसके बाद देखें बीच में डिवाइड है, ठीक है। तो डिवाइड को सबसे पहले मल्टीप्लाई के अंदर चेंज कर लेते हैं, तो ये इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये 5/3 जो है ये आ जाएगा 3/5, ठीक है। ओके, दोनों के साथ माइनस के साइन है, मल्टीप्लाई भी हो रही है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से पहले देखेंगे कटिंग हो रही है या नहीं, तो हो रही है जी। 3 1 3, 3 3 9, ठीक है, इनकी नहीं होगी। तो मैं लिख लूँगा -8/3 इंटू -1/5। ओके, इसके बाद देखें तो माइनस माइनस आ जाएगा, प्लस 8 1 8 और 3 5 15। ओके, देखें जी 15 एक बड़ा नंबर है, 8 एक छोटा नंबर है, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर हमारा आंसर आ गया, जो कि डिविजिबल नहीं हो सकता, 15 8 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो लिहाजा हमारा आंसर आ जाएगा 8/15। इसको हम मिक्स नंबर फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।